आगम ग्रंथ जितने भी हैं वो सब शंकर जी के मुख की वाणी है, और निगम ग्रंथ जिनको वेद कहते हैं ये सब ब्रह्मा जी की वाणी है। ब्रह्मा जी के मुख से जो विद्या प्रकट हुई है वो है वेद, वेद वाणी निगम कहते हैं उसको। और भगवान शंकर के मुख से जो विद्या निकली वो है आगम ग्रंथ। तो इसमें भगवान शिव भगवती पार्वती को आगमन तंत्र का उपदेश कर रहे हैं। अब यहां भगवान शंकर सूत्र दे रहे हैं भगवती पार्वती को, निकुंज वृंदावन का सखी भाव से कैसे ध्यान करना है। तो शुरुआत कहां से करनी, जहां बैठे हो वहां से शुरुआत करो, इस माया से, इस लोक से, ब्रह्मांड से। कोई कीचड़ में फंसा है और उसको कीचड़ से बाहर निकलना है, तो निकलने की शुरुआत कहां से होगी, रोड से, कहां से, जहां फंसा है कीचड़ में। तो पहला कदम उसका कहां होगा, कीचड़ में होगा। तो हम लोग माया में फंसे हैं तो पहला ध्यान किसका करना है, शुरुआत हम जहां खड़े। कोई माले वृंदावन में गुम हो गया, हमारे पास फोन करे, मैं गुम हो गया, कैसे आऊं मैं मुरली वाला होटल तक, तो सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा, आप इस समय कहां खड़े हैं, यही पूछूंगा ना, कहां खड़े। वो कहता मुझको नहीं पता। तो जब तुमको पता नहीं तू कहां खड़ा, तो मैं कैसे बताऊं किस रास्ते से आना। पहले तू अपनी जहां खोया है वो ध्यान कर, पहले किसी को पूछ, फोन पकड़ाओ किसी को, वो किसी रिक्शा वाले को फोन पकड़ेगा, कहां खड़े हो, ये सज्जन कहां है, फिर वो कहेगा मैं गोपेश्वर महादेव के बगल में खड़ा, अच्छा तो वहां हो, अब मैं रास्ता बताऊंगा, ऐसे ऐसे, यही है ना। पहले तो जहां खोए हैं वहां का ध्यान करो। जब तुमको पता नहीं कि हम कौन से कीचड़ में खोए हैं, तो तुम कीचड़ का ही ज्ञान नहीं है तो निकलोगे कैसे, कितना गहरा कीचड़ है ये पता ही नहीं तो निकलोगे कैसे। तो चारों तरफ वृंदावन के जमुना महारानी है। तो शंकर भगवान कहते हैं स्कंद पुराण में, हे पार्वती, साधक पहले श्री कृष्ण की प्यारी यमुना जी का ध्यान करे, जो निर्मल जल तथा सब ऋतु में सुख देने वाली है, जिसका वर्ण मन रंग नील कमल के समान नीला वर्ण है, श्री कृष्ण की अंग कांति जैसी यमुना जी का जल है, जिसके तट कुंजों द्वारा सुशोभित है, जिसके बीच में सखियों के विहार करने के मंडप है, जिसके दोनों तट स्वर्ण मंडित वे रत्नों से जटित हैं, जहां स्वर्ण कमल खिल रहे हैं, सोने के कमल। इस प्रकार जमुना जी के तट पर उस वृंदावन का ध्यान करें, जो नित्य नूतन पुष्पों से सुशोभित होने से सबको सुखास्पद है, जहां के सुख ब्रह्मानंद से भी अधिक सुख प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मानंद भी यहां फीका है, निजानंद आत्मानंद फीका है, महावैकुंठ फीका है, गोलोक धाम भी इस वृंदावन के आगे, जहां अनेक प्रकार के चित्र विचित्र पक्षी कलरव मधुर कलरव कर रहे हैं, जहां भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, जहां की भूमि स्वर्णमयी होने से दैदीप्यमान हो रही है, जहां के तरु एवं लताएं सब ऋतुओं में होने वाले फल फूलों को नित्य प्रदान करती है, जहां जो चारों ओर अनेक प्रकार की मणियों से शोभित, जहां जमुना जल को स्पर्श करते हुए शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, इस प्रकार साधक प्रिया प्रीतम के विलास स्थल श्री वृंदावन का स्मरण करे। ये कौन बता रहे हैं, शंकर जी भगवती पार्वती। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।